हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है आज हम लोग अकबर का पार्ट 3 देखेंगे। और एक खुशखबरी भी, आपको पता होगा कि आपका मैथ खत्म हो चुका है। जो बच्चे आज नए हैं उनको बता दिया जा रहा है कि, और अनेकों बच्चों से कल ये रिक्वेस्ट है हमारी, जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे बच्चियाँ हैं, वह एक काम किया करते हैं, क्या करेंगे कि जितने भी मैथ के क्लास हैं, हिंदी के क्लास हैं, और जितने भी आपके प्लेलिस्ट हैं, उसको शेयर करते रहा करिए आप। शेयर करने से जो बच्चे नहीं जानते हैं ना, वो आएंगे। क्योंकि आपको पता है, कमेंट में आप लोग भी देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर क्लास कहाँ पे है, सर एक ही क्लास पढ़ाए क्या, सर आज मतलब आज 19वां लेक्चर सीधे स्टार्ट कर दिए क्या, मतलब इस तरह हम लोग को सुनना पड़ता है। तो आप लोग से उम्मीद है बेटा कि आप लोग, थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पूरे प्लेलिस्ट को शेयर किया करिए, क्योंकि मैथ का क्लास खत्म हो चुका है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप उसे शेयर करेंगे। और एक हम बना रहे हैं, तरह से एक कह लीजिए कि रचना बना रहे हैं भैया आप लोग के लिए, कि उसमें कि हम क्या काम करेंगे। जो मैथ का अब क्लास फिनिश हो चुका है, अब हम करेंगे क्या कि हर संडे को 2 से 1.5 घंटे का, 1.5 से 2 घंटे का आपका मैराथन क्लास लगाएंगे मैथ का, और सभी लोग को आमंत्रित करेंगे। सभी लोग आइएगा हर संडे को, और जश्न मनाइएगा, क्वेश्चन का जश्न मनाएंगे। क्वेश्चन खाया जाएगा उस समय, सारे क्वेश्चन को हम लोग आपको देंगे भैया, क्वेश्चन का निमंत्रण करेंगे। अगर आप लोग क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन लेना चाहिए, तो आप किसी भी माध्यम से, कमेंट्स के माध्यम से हमारे पास पहुँचाइए। कुछ बच्चे हैं जो कि लॉग के बारे में पूछ रहे थे, लॉग कुछ वैल्यू बता दीजिए, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं बेटा, जो आप क्वेश्चन पूछे हुए हो ना, सेम हूबहू क्वेश्चन लॉग वाले चैप्टर में बताया गया है, इस वजह से हम उस क्वेश्चन को बताने की यहाँ जरूरत नहीं समझते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सारे क्लास को देखिए एक बार। अगर आप देख लेते हैं तो आप कभी नहीं पूछेंगे सर ये क्वेश्चन लॉग का बता दीजिए, क्योंकि हम इस कदर बताए हैं ना कि वो आपका जो टेट होने वाला है ना, तो टेट के लेवल का भी बहुत शानदार तरीका उसमें आप पाएंगे, अच्छे तरीके से आप पूरे अच्छे तरीके से उसको ग्रैप्स कर पाएंगे। ठीक है बेटा, आपको हिस्ट्री भी इस कदर पढ़ाई जा रही है कि आपके टेट के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा। आप इसे एक नोट्स के रूप में प्रिपेयर करते चलिए, देखिएगा जब टेट का पेपर आएगा ना, तो आप DLLT को तो फोड़ के आओगे, लेकिन टेट को भी छोड़ोगे नहीं, टेट को भी फोड़ के ही आओगे बेटा। अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना। तो साइंस की क्लास भी हम स्टार्ट किए हुए हैं, आप लोग देखना स्टार्ट कर दिए होंगे, अच्छी बात है, आप लोग पढ़ते चलिए। और बस यही है आप लोग से रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि और बच्चे जो भटक रहे हैं वो आ पाएँ, है ना, अपने सही मंजिल की तरफ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। अगर आप लोग को, चलिए लास्ट टाइम बताते हैं उसको, है ना। चलिए, हम लोग ने बाबर के, सॉरी अकबर के बारे में काफ़ी कुछ समझा जाना, और हमने यहाँ तक यह पाया कि अकबर महान था या नहीं था, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में, घटनाएं देखें हमने, इसका हरम दल के बारे में पढ़ा, महामनका के बारे में पढ़ा, इसके हरम दल में लगभग 5,000+ दासियां थी इसकी, मतलब यह अपने से जो इसका बैरम खां था, इसका सेवक था, संरक्षक था, उसकी पत्नी से शादी करता है बेटा। वह कह लीजिए कि जो आपके बैरम खां की पत्नी से शादी करने के बाद इसके पुत्र को अपने, मतलब कि अपने पुत्र, इसके पुत्र को अपने सैन्य सैन्य में शामिल कर लेता है। बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, बहुत बड़े बड़े कॉलेज की विधवा से, विधवाओं से, बहुत सारी विधवाओं से शादी करता है। तो इस कदर हमने जाना कि अकबर महान तो नहीं था, लेकिन एक बात आपसे कहेंगे कि अगर किसी आदमी के अंतर्गत बुराइयां हैं तो अच्छाइयां भी हैं, तो इसी तरह अकबर के अंतर्गत, अकबर को इसी तरह महान नहीं बोला जाता है, महान बोला जाता है क्योंकि उसकी बुराई छिपा दी जाती है ना, बुराई छिप जाती है जब महान लग जाता है उसके अंतर्गत। तो बहुत सारी चीज़ों का यह उन्मूलन करता है बेटा, क्योंकि जैसा आपको देखने को मिलता है 1828 में, 1829 में सती प्रथा का अंत, दास प्रथा का अंत, लॉर्ड मिंट, लॉर्ड क्या बोलते हैं, लॉर्ड कौन था, विलियम बेंटिंक, जो आपका पहला गवर्नर जनरल था भारत का, है ना। तो उस समय राजा राम मोहन राय जी, सरस्वती विद्यासागर जी, मतलब बहुत सारे लोग, देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, इन सारों लोगों ने मिलकर विलियम बेंटिंक के साथ बहुत ज़्यादा सती प्रथा का अंत किया है। आपका विधवा, विधवा जो विधवा प्रथा थी, बेटा उसको, मतलब कि विधवाओं के शादी के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, लड़कियों के शिक्षा के लिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा अच्छे काम हुए थे, है ना। तो वह सारी प्रथा जो थी बहुत बाद में हमको देखने को मिला था, लगभग 19वीं सदी में, है ना, लेकिन वह बहुत सारे, मतलब वही सारी प्रथा अकबर फॉलो कर चुका था, इस वजह से अकबर को महान बोलते हैं। एक बार रिविजन करते हुए चलते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। अब इसके बाद एक पार्ट और आएगा जिसमें हम लोग महाराणा प्रताप के साथ इनकी लड़ाई करवाएंगे, 1576 की लड़ाई, ठीक है ना, हल्दी घाटी का युद्ध, उसमें कराएंगे। एक पार्ट और आएगा, आप लोग बिल्कुल धैर्य बना के पढ़ते चलिए, बिल्कुल जल्दी नहीं है। जैसे हमने मैथ को ख़त्म किया ना, वैसे सारे सिलेबस आपको फिनिश करेंगे आपका, आप बिल्कुल चिंता छोड़ दीजिए और डिपेंडेंट हो जाइए इस चैनल पर बेटा, है ना। चलिए तो पढ़ाई करते हैं।
अब देखिए, अगर बोला जाए युद्ध बंदियों को गुलाम बनाया, कब बनाया युद्ध बंदियों को गुलाम, या सबसे पहले मतलब कि युद्ध बंदियों की जो गुलाम बनाने की प्रथा थी बेटा ना, यही खत्म किया इसके जमाने में। बता जब महामनगा मर जाती हैं, महामनगा का जब डेथ हो जाता है बेटा, तो इसके बाद ये बहुत कुछ सीखता है। और पहले जब महामनगा जिसकी धायमा थी, जब वह मर जाती हैं तो मतलब मरने से पहले यह अंदर रहता था, यह सारी बातें बाहर का नहीं जानता था। कर कैसे लेते हैं, जजिया कर क्या होता है, मतलब टैक्स तो पता था इसे हम लोग वसूलते हैं, लेकिन यह नहीं पता था कि हम किस तरह से वसूलते हैं। तीर्थ यात्री कर वसूलते थे। तो उन सबको जब यह बाहर घूमने निकलता है, बाहर के माहौल देखता है, जब इसका ढाई माह की मृत्यु हो जाती है ना, तब उसके बाद यह बाहर घूमता है और बहुत सारी चीज़ें देखता है, उसको हटाता है। देखिए अब सारे डेट आपको याद करने हैं, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा। देखिए 1562 में, 1562 की बात करें बेटा, तो युद्ध बंदियों को जो गुलाम बनाने की प्रथा थी ना, वो खत्म कर दिया, मतलब कि दास प्रथा पर रोक लगा दिया, पूरी तरीके से रोक लगा दिया। क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा या फिर मुगल होते थे बेटा, उनका यही काम होता था, पहले काटो मारो, अच्छे तरीके से काटो पीटो, और जो बच जाए ना उसको कैदी के रूप में सड़ा गला दो अपने अंदर बंद करके, अपने घर में, अपने कारखाने में, जो जो भी चीज़ है जहाँ पे बंदी बनानी है, बना के उसे सड़ा गला दो, और कभी देखने भी ना जाओ उसको खाना मिल रहा है, पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो बेचारा मर जाता है उसी में, और उसको मरता देख अनेक लोग मर जाते थे उसी में। और यह एक तरह से अपने जहाँ पे महल था उसका, उससे कोसों दूर इसका बंदी गृह बना था, है ना। तो इस तरह यह क्या काम करता बेटा, इसको पता नहीं था कि इस तरह की भी संरचनाएँ होती हैं, क्योंकि यह सारा, क्योंकि यह बहुत छोटा रहता है। जब ये छोटा रहता है बेटा, छोटे पे इसका दिमाग का विस्तार नहीं होता है, बल्कि ये बहादुर तो रहता है, लेकिन दिमाग का जो विस्तार होता है इसका, जब ये बड़ा हो जाता है तब, क्योंकि इसका छोटे पे बहुत ज़्यादा हरकतें खराब होती हैं, या बड़े बड़े औरतों के साथ रातें बिताना, और आपको पता है कि इसके पास बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि एक तरह से धायमा थी, जो यह इसके साथ बदसलूकी भी करती थी, इसको मारने पीटने के लिए उन लोगों ने षड्यंत्र भी रचा था अदगा खां के साथ मिलकर। अदगा खां नहीं, मतलब कि आयूब खान, जो इसके अदगा खां तो इसका मंत्री रहता है, प्रधानमंत्री, जिसको मार देता है अदगा खां, मतलब महामनगा का बेटा, है ना। यह सब संरचना हमने कल पढ़ा था। आप देखिए इसमें थोड़ी सी बातें करते हुए हम आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़गढ़ की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें कि राणा उदय सिंह के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज, ठीक है ना। रणथंभौर पर विजय कैसे प्राप्त किया या कलिंजर का पतन कैसे किया बेटा, और इसके बाद मारवाड़ पर अधिकार कैसे किया या गुजरात विजय कैसे किया, ये चार बातें आज की मेन होंगी। चित्तौड़ पर घेरा कैसे बनाया, उदय सिंह को कैसे भगाया वहाँ से, उदय सिंह सिलेंडर किए कि नहीं किए इसके सामने, तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे। 1572 तक की घटना हम आज देखेंगे, है ना बेटा, 1562 से लेकर 1572 तक। उसके बाद लास्ट एक टॉपिक आएगा जिसमें हम 1576 हल्दी घाटी के बारे में पढ़ेंगे, महाराणा प्रताप जी, जो जिनका भाला बेटा 80 किलो का होता था, जिनके जो 82 किलो का वजन लेके चलते थे, खुद का वजन 1 क्विंटल से ज़्यादा होता था, 1.5 क्विंटल के आसपास होता था, अब 2.5 क्विंटल का आदमी, तो आप मतलब अकबर देखकर पगला जाता था। उसके जो उसकी जो हाथी रहती बेटा, उसका नाम होता है का रामनाथ रहता है। पूछा जाता है आपसे कि जो राणा प्रताप जी रहते हैं उनके हाथी का क्या नाम रहता है, रामनाथ रहता है। उसके घोड़े का नाम चेतक होता है ना, तो यह दोनों उनके प्रिय होते हैं। इन दोनों के मरने के बाद आपके महाराणा प्रताप जी की भी मृत्यु हो जाती है। ये सारी घटना हम पढ़ेंगे, वो कैसे हल्दी घाटी के जंगलों में रहते हैं, पहाड़ी इलाके में रहते हैं, कैसे रोटी खाते हैं घास फूस की, सारी बातें हम पढ़ेंगे आगे आने वाले चरण में। ब्रेक मतलब कि इंतजार करिए, कुछ पाने के लिए तो इंतजार करना पड़ेगा बेटा, है ना। अब देखिए 1562 में दास प्रथा का उन्मूलन करता है। अब इसके बाद 1562 में ही बेटा आदम खां जो होता है, आदम खां को यह सीढ़ियों से फेंक देता है, क्योंकि इसकी इसका एक मंत्री होता है, इसका एक मंत्री होता है बेटा अदगा खां, अदगा खां को वो मार देता है, उसने पे वो बौखला जाता है, बौखला जाता है अदगा खां का, तुम कैसे मार दिए, तुम मालवा पे विजय किए, तुम बहादुर शाह को हराए बेटा, तुमको हम मालवा का सूबेदारी दे दिए, लेकिन तुम फिर भी नहीं माने, हमारे मंत्री को मार दिए, तुम इतनी तुम्हारी हिम्मत है, तो बस उसको उठाया ऊपर से फेंक दिया नीचे, बेचारा टें मतलब उसकी काम कहानी खत्म हो गई। इतने में 40 दिन बाद पूछा गया ये क्वेश्चन कि इसकी माँ जो होती है धाय माँ होती हैं बेटा, आदम खां की धाय माँ जो मम्मी होती हैं, वो इसके मरने के कितने दिन बाद मर जाती हैं, तो 40 दिन बाद इसकी मम्मी की भी मृत्यु हो जाती है। और 1562 में ही बेटा आपका जो कह लीजिए कि जो हरम दल होता है उससे छुटकारा पा जाता है अकबर, हरम दल से छुटकारा पा जाता है। अब ये छुटकारा पाने के बाद बहुत अच्छा अच्छा काम करता है। देखिए कौन कौन सा काम करता है हम बताते हैं आपको, ये डेट सारे याद करेंगे बेटा आप, थोड़ा सा रिवीजन करा रहे हैं। अब ये अपनी धायमा से छुटकारा पाने के लिए अकबर ने मुनीम खां की जगह एक शमसुद्दीन अदगा खां मंत्री जो रहता है उसको नियुक्त किया था, अपने पीएम बनाया था। कब बनाया था तो बताएंगे, 1561 में बनाया था बेटा, ये चीज़ आप लिखते चले, 1561 में बनाया था, पीएम बनाया था। और आदम खां ने अदगा खां को मार दिया, तो बस उतने में वो मार देता है उसको, उठा के फेंक देता है उनकी
कहानी खत्म। इतने में 40 दिन बाद उनकी माता भी कहानी खत्म, उनकी भी कहानी खत्म। तो अब क्या होता है बेटा, अब यश थोड़ा घूमने फिरने लगता है। अब इसके मन में उल्लास आता है कि हम अब जिसके अंदर में थे, मतलब जिसके बेड़ियों से जकड़े हुए थे, वो बेड़ी तो टूट गई। अच्छा हुआ, क्योंकि डायरेक्ट बोल भी नहीं सकता था ना उसको डायरेक्ट। तो इस वजह से वो अब घूमना फिरना स्टार्ट किया। एक दिन इसी तरह ये मथुरा घूमने गया। जब ये मथुरा घूमने जाता है तो देखता है, भैया ये क्या, यहाँ पे तो जो दयालु हैं, मतलब कि जो भक्त हैं, भगवान की पूजा करने आते हैं, अब यहाँ पे हम इन लोग से क्या करें, तीर्थ यात्रा कर वसूल रहे हैं। ये तो भाई गलत बात है। बस यह क्या, इसको तो यह पता था कर के बारे में, लेकिन यह नहीं पता था कि तीर्थ यात्रा कर भी होता है कुछ। तो यह तीर्थ यात्रा कर को बंद कर देता है उसी जगह से। तो अब याद रखेंगे, तीर्थ यात्रा जो कर होता है बेटा, वो कब बंद होता है, तीर्थ यात्रा कर 1563 में बंद होता है। 1563 सारे जो डेट है उसको क्रम से याद करते चलिए आप बेटा, है ना। 1561, 1562, 1563 अभी और आएगा आगे। अब तीर्थ यात्रा कर बंद करने के बाद इसको बेटा यह फील होता है कि हमारे समाज में, हमारे प्रजा में यह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि मुसलमान और हिंदू और सिख ईसाई सबको अलग अलग देखा जाए, सबको एक नज़र से देखना है। तो इसको बाद में फील होता है, जजिया कर नामक भी एक कर होता है, उस जजिया कर को बंद कर देता है। क्योंकि जजिया कर ऐसा कर होता है बेटा जो कि गैर मुसलमानों से लिया जाता है, हिंदुओं से वसूला जाता है, है ना। और जजिया कर न देने के लिए, मतलब कि मान लीजिए हम मुसलमान नहीं हैं, मान लीजिए आसाम में कोई बंदा, मतलब कोई हमारा अगर यहाँ पे मुसलमान भाई है, तो वो हमारे भाई के रूप में वो बुरा नहीं मानेंगे इस चीज़ को। क्योंकि इतिहास है बेटा, बुरा नहीं मानना है। हम आपको उतना ही प्यार देते हैं जितना अदर बच्चों को देते हैं, कोई भी बुरा मानने वाली बात नहीं है, ठीक है। आप लोग बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि ये कास्ट से बातें नहीं हो रही हैं, या आपकी बातें नहीं हो रही हैं, या किसी रिलीजियस की बातें नहीं हो रही, ये इतिहास की बातें हो रही हैं। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप ऐसी बातों को सुन के बुरा नहीं मानेंगे, और हमारे भाई के रूप में आप इतना समझ लीजिए, हमारा जितने भी हमारे दोस्त हैं ना, वो अधिकतर मुसलमान हैं, इतना समझ लीजिए, और मेरे प्रिय मित्र हैं, हम एक थाली में खाना खाते हैं, इतना समझ लीजिए। मतलब प्यार अलग सा है बेटा। आप बुरा नहीं मानना है, आप लोग को बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी फ्रेंड सर्कल है उसमें मुसलमान भाई हैं मेरे, हम लोग एक साथ बैठ के खाना खाते हैं, ये सारी बातें नहीं, क्योंकि इतिहास है, इतिहास में जब मुसलमानों का जिक्र होता है ना तो पढ़ना चाहिए हमें। अब ऐसी बात नहीं समझना है आपको कि हम मुसलमान सर ऐसे बोल रहे हैं, ये सब बातें नहीं, है ना। अब देखिए, अब जो मुसलमान थे बेटा ना, मुसलमान जो थे, अब वही वो जजिया कर नहीं देते थे। अब इसको बुरा लगा, जजिया कर वो नहीं दे रहे हैं जो गैर मुसलमान है, केवल उनसे वसूला जा रहा है। तो ये काम करता है, जजिया कर को बंद कर देता है। जजिया कर कब बंद होता है बेटा, तो बता देंगे 1564 में, सॉरी 1564 में बेटा, हाँ सही था, 1564 में बंद हो जाता है जजिया कर। अब 1564 में जजिया कर को बंद करता है, क्योंकि इसको यह फील होता है कि हमें समाज में बिल्कुल भी अन्याय नहीं करना है। अन्याय नहीं करना है मतलब कि सारे जात को, सारे धर्म को, अगर हम राजा हैं तो सबको एक साथ लेके चलें। अब जजिया कर मतलब क्या, जो गैर मुसलमान है उनसे लें, ये बात नहीं है। अब आपको आप पढ़े होंगे फिरोज शाह तुगलक के समय जजिया कर लगाया था, और मंदिरों को तोड़ फोड़ के कलजी कसाईयों को दे देता था मांस तौलने के लिए, ये सारी बातें आप पढ़े होंगे बेटा, है ना। तो यह जजिया कर बंद कर देता है। तो आपको ये पूछा जाता है बार बार कि जजिया कर किसने बंद किया, कब बंद किया, ठीक है बेटा, तीर्थ यात्रा कर का उन्मूलन कब हुआ, किसने किया, ये सारी बातें आपसे पूछी जाती हैं। आप अच्छे तरीके से इसे रट लें, याद कर लें किसी भी तरह, क्योंकि आपको कहानी के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको रटाया नहीं जा रहा है। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए। अब आता है बेटा एक अलग सा मोड़ आता है, ख्वाजा। देखिए नया मोड़ आता है यहाँ पे, ख्वाजा मुअज्जम। ये थोड़ा बदमाश टाइप का आदमी होता है, इसका मामा होता है अकबर का, मुअज्जम, ख्वाजा मुअज्जम बेटा। इसकी मृत्यु हो जाती है 1564 में। एक कहानी सुनिए अब बेटा, 1564 में क्या होता है कि ख्वाजा मुअज्जम जो है इसकी मामी को, मतलब अकबर के मामी को, मतलब कि अपने पत्नी को यह मारने जा रहा था। इतने में अकबर बौखला जाता है, सेना भेजता है, भैया जाओ और इसको संभालो थोड़ा सा। तो इसके सैनिक जाते हैं, इसको उठा के यमुना नदी में फेंक देते हैं। ये बदमाश टाइप का रहता है, तैर के बाहर आ जाता है। अब तैर के बाहर आ जाता है तो अकबर क्या काम करता है, इसको पकड़वा लेता है, पकड़वाने के बाद अपने कैद खाने में डाल देता है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो वही पूछा जाता है आपसे कि ख्वाजा मुअज्जम कौन था, तो बताएंगे अकबर का मामा था। इसको 1564 में अकबर ने बंदी बनाकर, मतलब अपने सलाखों में पीछे रख दिया था, इसकी मृत्यु हो गई थी। इतनी बातें अगर आपको याद हैं, पता है, तो आगे चलते हैं बेटा। अब अकबर का साम्राज्य विस्तार के बारे में कुछ देख लेते हैं, है ना। अकबर का साम्राज्य विस्तार, देखिए मालवा पर विजय इसने किया था, हमने पढ़ लिया है पूरे अच्छे तरीके से। मालवा थोड़ा सा रिवीजन करते चलते हैं, मालवा पर विजय बेटा 1561 और 1562 में, क्योंकि आपको पढ़ाया गया कहानी एक बहादुर, बाज बहादुर और रूपवती पर मोहित हो जाता है और प्यार वगैरह का चक्कर हो जाता है, क्योंकि यह सब
कह लीजिए कि अलग तरीके से इन लोग का नजरिया था बेटा औरतों के प्रति, ठीक है। और जो औरतें करती थी एक तरह से जौहर प्रथा हो गया, कुछ कर लेती थी राजा के समय, है ना, तो ये सारी प्रथा चलती थी, है ना। वहाँ उस समय की औरतें बहुत ही, मतलब अब की भी जो औरतें हैं बेटा काफ़ी ज़्यादा शालीनता से रहती हैं, हमें पता है। और जो पहले की औरतें थी बेटा ना, वो भी काफ़ी ज़्यादा शालीनता से रहती थी, सारी की बात नहीं करते हैं क्योंकि अपवाद होता है कुछ ना कुछ, तो उसी तरह से अपवाद था वे सारी बातें। तो मालवा पे ये विजय कब करता है बेटा, तो आप बता देंगे, बाज बहादुर को मारता है, बाज बहादुर से जीतता है, और रूपवती, मतलब दोनों लोग, दोनों की मृत्यु हो जाती है, एक साथ ही हो जाती है। उस पर कहानी, मतलब कि एक मूवी भी है, देखिए हमको याद नहीं आ रहा है, दोनों साथ मरते हैं, एक ऐसा कहानी है, मूवी है बेटा, है ना, हमको याद नहीं आ रहा। देखिए मालवा पर विजय आप याद रखेंगे कि 1561 और 1562 में करता है। इसके बाद जौनपुर में विद्रोह और चुनाव पर अधिकार, चुनार, जो चुनार जौनपुर में पड़ता है बेटा, एक कह लीजिए कि चुनार एक किला है, चुनार जौनपुर में पड़ता है। इस किले को जीतने के लिए यह 1561 में अभियान करता है, 1561 में अभियान करता है। इस किले का जो मालिक होता है बेटा ना, उसका नाम होता है स्वर्गी, क्या नाम होता है, स्वर्गी, स्वर्गी नाम होता है स्वर्गी आदिल शाह सूर, आदिल शाह, आदिल शाह, आदिल शाह सूर नाम था बेटा, सूर अफगान था, जो कि इस चुनार पे अधिकार किए हुए बैठा था। अब इसी का एक पुत्र था शेर खां, वह शेर खां नहीं जो हुमायूं को दौड़ा दौड़ा के मारा था, वह शेर शाह सूरी, वही शेर खां, वह नहीं बेटा, दूसरा शेर खां था, इसका पुत्र था शेर खां, शेर खां, शेर खां। अब यह क्या काम करता है बेटा, विद्रोह कर देता है, विद्रोह कर देता है। अब इस विद्रोह को दबाने के लिए अली कुली खां, अली कुली खां को नियुक्त करता है अकबर, अकबर नियुक्त करता है भैया अली कुली खां जो है उसको, खानजमा बोलते थे, खानजमा, खानजमा, कहीं कहीं खानजमा आता है तो आप इसे नोट कर लेंगे, यही अली कुली खां है जो कि जौनपुर के चुनार पर विजय किया था और उस चुनार को अकबर के क्षेत्र में मिला लिया था, है ना। तो याद रखेंगे 1561 में चुनार भी जीत जाया जाता है अकबर द्वारा। अब आते हैं जयपुर की तरफ भैया, जयपुर की तरफ रुख किया जाता है। ये सारी डाटा जो है बेटा ना, आप लिखते चलें अपनी कॉपी पे, जिससे आपको हमेशा टेट में तो 100% प्रॉफिट होगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपको कहीं और से मॉडर्न हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री बात छोड़िए, एंशियंट हिस्ट्री आपको बाद में पढ़ा दिया जाएगा, जो आपको मिडेवल है और मॉडर्न है हम ख़त्म करेंगे, आपके DLED में है इस वजह से उसको हम पढ़ाएंगे, जिसे एक तीर से दो निशाना लग जाएगा, है ना। चलिए, नहीं तो थोड़ा सा है डीएलएड में उसको पढ़ा खत्म कर देते, बात खत्म हो जाती, इस वजह से हम एलोबरेट करके, एक्सप्लेन करके पढ़ा रहे हैं, जिससे कि आप टेट में भी अच्छे नंबर ला सको बेटा। अब देखिए जयपुर का अधीनता, अब हम बात करते हैं जयपुर अभियान, जयपुर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, अपने आप, अपने आप डर के मारे बौखला जाते हैं। और जयपुर के जो राजा होते हैं बेटा, भारमेल राजा, आपने पढ़ा होगा, वो इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, इतना कुछ काटपीट, मतलब कि इतना ज़्यादा हड़कंप देखते हुए कि भैया ये पागल है क्या बाबा अकबर, यह सबको मारा जा रहा है, सबको हराया जा रहा है, इसकी सेना इतना ज़्यादा उत्पात मचाती थी ना, मुंडी, मुंडी का माला बना के भाले में मुंडी गोद कर ऐसे नचाती थी, नचाती थी, मतलब इतना ज़्यादा उत्पात मचाया जाता था। और इसकी प्रजा बेटा थी बिल्कुल नाखुश थी, मतलब नाखुश, मतलब खुश नहीं थी इसके समय। बाद में जब यह बहुत सारे तीर्थकर हो गया, जजिया कर हो गया, ये सबको जब ख़त्म करता है, थोड़ी सी प्रजा में एक अलग से भाव आता है इसके प्रति, दया भाव, और कहिए दयाशील आता है, एक महान के नाम से, वहीं से अकबर महान के नाम से जाना जाता है ना। अब जयपुर की अधीनता, जयपुर के जो राजा रहते हैं भारमेल बेटा, इसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं, तो बता देंगे कब, तो बता देंगे 1562 में, ये बात आप याद रख लेंगे। अब चौथा की तरफ चलते हैं, गोंडवाना, गोंडवाना आपको पता होगा दुर्गावती वाला क्षेत्र, दुर्गावती जी के पति, दुर्गावती के पति की जब मृत्यु हो जाती है, तो दुर्गावती पता है आपको बहुत ज़्यादा साहसी रहते हैं बेटा, दुर्गावती अपने आप को खंजर घोंप के मार डालती हैं। इसके पहले वाला वीडियो, मतलब कि पिछला वाला क्लास, हम पूरा दुर्गावती के बारे में ही पढ़ाए हुए हैं, तो आप पढ़िए उसे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका गोंडवाना वाला पार्ट होता है वह भी आ जाता है, इसके अंडर आ जाता है गोंडवाना वाला पार्ट। अब यह क्या काम करता है, गोंडवाना वाले पार्ट पे भी राज करने लगता है, हड़प लेता है। तो 1564 में यह घटना घटती है, रानी दुर्गावती। इतनी बातें हम आपको पढ़ा चुके हैं, है ना। अब आ जाते हैं चित्तौड़गढ़, जो आज का कारनामा है अब शुरू होगा, चित्तौड़गढ़ का घेरा, चित्तौड़गढ़। लेकिन कितना ज़्यादा यह बता, मतलब कि गढ़ाए रखता है अपना नज़र, लेकिन फिर भी लास्ट में यह हार कर इसे भागना पड़ता है शर्मिंदगी से। चित्तौड़गढ़ का घेरा बेटा, गढ़ का घेरा, या फिर चित्तौड़ का घेरा कर लीजिए, चित्तौड़ का घेरा। यह कब होता है अभियान चित्तौड़ पर बेटा, अकबर का तो बता देंगे, 1567 से लेकर 1568 तक। बेटा एक बात बता देते हैं आपको, क्योंकि अकबर जो है ना, एक तरह से अकबर भले ही सारे दिल्ली पे, आगरा पे, इस जगह शासन करता था, लेकिन वहाँ उस समय जो राजपूत थे ना, राजपूत,
यानी कि जो राजपूत होते थे थोड़ा सिर, अच्छा इसकी बातें अभी हम करते हैं जब राजनीतिक कारण बताएंगे तब, अभी यहाँ पे देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के घेरे में बेटा यह एक राजा उदय सिंह रहते थे, राजा उदय सिंह मेवाड़, इस ये जो है ना मेवाड़ की राजधानी थी मेवाड़। आप इस पर कन्फ्यूज होते हैं बहुत, मेवाड़ चित्तौड़ की राजधानी थी कि चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी, इस पर कन्फ्यूज नहीं होना है आपको, हम एक ट्रिक बताते हैं। देखिए मेवाड़, जो मेवाड़ है बेटा वह इसकी राजधानी चित्तौड़ थी, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। चित्तौड़ देखिए जो चित्तौड़ थी बेटा मेवाड़ की राजधानी थी। अच्छा इसकी ट्रिक क्या आप याद कर लीजिए इसी तरह, क्या ट्रिक, ट्रिक नहीं बन रहा है मुझसे ट्रिक, ट्रिक पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं, जो छोटा मोटा लड़ाई झगड़ा होता है उस पर ट्रिक बन जाता है, लेकिन इस पर क्या ट्रिक बनाया जाए, अब एक दो बार पढ़ लीजिए याद हो जाएगा। अब मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी, आप इसको इस तरह याद कर लेंगे। अब यहाँ के राजा उदय सिंह थे, क्या नाम था, उदय सिंह, राजा उदय सिंह बेटा, राजा उदय सिंह, राजा उदय सिंह थे। अभी अभी काफ़ी पावरफुल थे, अब इतना भी पावरफुल नहीं थे जितना महाराणा प्रताप जी थे, लेकिन थे बेटा, कमज़ोर तो नहीं थे। अब इनका जो किला था बेटा ना, इनका, इनके किले के चारों तरफ, चारों तरफ इनके किले के चारों तरफ अकबर जो है अपना 6 महीने से घेरा डाल के बैठा था, 6 महीने से भैया, 6 महीने से, फरवरी आ गया, जनवरी आ गया, फरवरी आ गया, मार्च आ गया, फिर भी ये काम किए, मतलब कि उदय सिंह अपना घेरा, मतलब हारे जा रहे थे। इनकी सेना जो अकबर की सेना थी बेटा, हर पर दिन, मतलब पर डे, अकबर की जो सेना थी बेटा पर डे 200 लोग मारे जा रहे थे, क्योंकि इसका कारण भी था ना मारे जाने का, आप ही बताइए। जो हम लोग का एक बार पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी सियाचिन वाला, तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान ऊपर था, हम लोग नीचे थे, जिससे क्या होता था कि हम लोग, मतलब कि हमारी सेना बहुत ज़्यादा मारी गई थी, तो हम लोग एयरफोर्स का सहायता लिए थे। उसी तरह बेटा यहाँ पे इन लोग की किला जो थी, किला बहुत ऊँची ऊँची होती है, आप अगर आप चले जाएंगे राजस्थान में तो आपको बूंदी का किला, अजमेर का किला, बहुत सारे किला दिखेंगे, बहुत भव्य नज़ारा होता है वहाँ का बेटा, क्योंकि वहाँ के राजा महाराजा जो रहते थे ना, बिल्कुल शान शौकत, घोड़े हाथी, मतलब कि एक तरह से बवालिया होते थे बेटा, है ना, मतलब कि एक तरह से उनकी जो, उनके आगे कोई टिकता ही नहीं था, इतना खतरनाक उनका शौर्य था, साम्राज्य था, मतलब बहुत खतरनाक पावरफुल थे बेटा उनकी, मतलब इस वजह से किला भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर सुंदर और काफ़ी भव्य लगता था देखने से। अब वहीं पे, वहाँ ऊंचे ऊंचे पे लोग बैठे हुए हैं, उदय सिंह की सेना और जो अकबर है, अकबर की सेना नीचे घेरा बनाई हुई है, तो पर डे 200 मारे जाने का कारण यही था। ऊंचे से अगर हम लोग एक ठेला भी फेंकेंगे ना, तब वो 2-3 मिला गिरेंगे, अगर चढ़ते रहेंगे तो गिरेंगे कि नहीं, एक एक ढंगराया तो सब ढंगरा जाएंगे, है ना, यही होता है ना, अगर हम ठेला धीरे से एक पत्थर इतना बड़ा उठाएं और लुढ़का दें उसी किले पे, तो जो जो चढ़ता रहेगा, एक गिरा तो सौ को ले जाएगा अपने साथ, तो इस कारण से थोड़ा सा और दिक्कत होता था अकबर को। लेकिन लेकिन जब यह सारी चीज़ें देखता रहा अकबर, देखता रहा बेटा, तो आपको पता है जो मालवा का राजा था बाज बहादुर, आकर शरण ले लिया था राजा उदय सिंह के घर। आपको ये बात बता देते हैं, ये बात थोड़ी सी नहीं पता थी आपको, तो ये जान लीजिए, जो मालवा का राजा था बाज बहादुर, जिसको मालवा में हरा दिया था मालवा के युद्ध में अकबर, वह भी यहाँ पे आकर शरण लिया हुआ था, है ना, ये वह भी आके यहाँ पे शरण लिया हुआ था। अब क्या काम होता बेटा, उदय सिंह जो है बेचारे परेशान होते हैं, उदय सिंह परेशान होते हैं। अब इनको, क्योंकि एक डैकयार्ड होता है, हमको पता है ना, जैसे कि जो मालवा वाला पोर्शन था बेटा, जो कि मालवा वाला पोर्शन था जो गुजरात में पड़ता है, आपको पता होना चाहिए कि जो मालवा वाला पोर्शन है, जो हमारा तटीय वाला इलाका है भारत का, वहीं से यात्रा बहुत ज़्यादा होती है, यातायात बहुत ज़्यादा होती है, मतलब डैकयार्ड हो गया, पोर्ट हो गया, कल जब व्यापार हो गया, उसी जगह से बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जहाँ पे नदी की जो हमारा तट होता है, जैसे भारत का प्रायद्वीपीय भाग अगर देखें हम, तो इस कदर है, कुछ इस कदर है प्रायद्वीपीय भाग, यहाँ पे केरल है, ऊपर कर्नाटक है, यहाँ पे तमिलनाडु है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे महाराष्ट्र है बेटा, इस तरह बहुत सारी संरचना बनी हुई है, यहाँ पे तेलंगाना है, यहाँ पे उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, इस तरह। तो यह वाला जो इलाका है ना भारत का, यह वाला गुजरात तक का यह पूरा तटीय इलाका है, और इस तटीय इलाका से व्यापार वगैरह बहुत ज़्यादा संभव होता था, तो मालवा भी इसी में से एक था। राजा, जो राजा महाराजा होते थे, वो हमेशा इसी फेर में रहते थे, किसी तरह हम अगर इस पे कब्जा कर लिए ना, इस वाले इलाके पे कब्जा कर लिए ना, तो पूरा का पूरा व्यापार क्षेत्र हमारे अंतर्गत आ जाएगा, आर्थिक क्षेत्र तो हमारे पूरा अंतर्गत आ जाएगा, आर्थिक मतलब यातायात का पूरा संसाधन जो है इसी जगह से होता था, पूरा का पूरा जब हमारे अंदर आ जाएगा तो फिर क्या है, सारा का सारा जितने भी व्यापार हैं पूरा का पूरा हमारे ऊपर कमांड हो जाएगा, धीरे धीरे राजनीतिक पावर में घुस जाएंगे। यही कारण था ना, जब अंग्रेज आना स्टार्ट हुए थे तो वह चलाक, मतलब दिमाग से खेलना स्टार्ट किए थे बेटा, यूरोपी दिमाग से खेलना स्टार्ट किए थे। पहले वह आया तो पहले तटीय इलाके को अपने अंदर में लेने लगा, जैसे आपको पता है कोलकाता हो गया, सूरत हो गया, ये सब जगह अपने जो फैक्ट्री थी सब लोग यूरोपी बसाना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि उनको डर था ना कि अगर हम लोग इसको छोड़कर सीधे अंदर जाएंगे ना, तो यहाँ वाला कोई दूसरा हड़प लेगा और हमारा एक ना एक दिन पलायन, हमको जाना ही होगा यहाँ से।
तो बस उन लोग का भी यही कह लीजिए कि मनसा था कि धीरे धीरे हम लोग तटीय इलाके को हड़पते हैं, फिर उसके बाद धीरे धीरे अंदर घुसते हुए चले जाते हैं खेमा में, और पूरा का पूरा राजनीतिक जो संस्था है, राजनीतिक जो पावर है, हमारे हाथ में आ जाएगा। बस यातायात जब कब्जे में आ गया, आर्थिक पावर जब कब्जे में आ जाता है किसी देश के, तो उसकी राजनीतिक पावर अपने आप अंदर आ जाता है, मुट्ठी में कर लेते कर लिया जाएगा, उसमें कोई दो राय है ही नहीं, क्योंकि आर्थिक पावर ही सबसे ज़्यादा पावरफुल माना जाता है बेटा। राजनीतिक पावर तो किसी के अंतर्गत भी आ सकता है, राजनीतिक मतलब क्या, हम और आप, लेकिन आर्थिक जो पावर है ना, वो बहुत सारे देशों के मिला के बनता है। अगर आपसे आपके विदेशी रिलेशन अच्छे हैं, आपके बहुत सारे मतलब कि कह लीजिए कि अपने आसपास के पड़ोसियों से आपका रिलेशन अच्छा है, तो इन सब से जो आर्थिक पावर होता है ना, बहुत ज़्यादा बेटर बनता है। तो बस यही कारण था। अब मालवा को मतलब मालवा को हड़पना, अब जो राजा बाज बहादुर था बेटा, वो आके शरण लिया हुआ था राजा उदय सिंह के घर। अब राजा उदय सिंह के घर जब शरण लिया था, तो इनको एक डर था अकबर को कि हो सकता है मालवा इसके हाथ में नहीं आ जाए, है ना, उदय सिंह के। तो इस वजह से भी उसकी चिंताएं और बढ़ रही थी, और वह इस वजह से भी कह लीजिए उस पर आक्रमण किया कि अगर राजा उदय सिंह पावरफुल बनता रहा तो हमारी तो हालत ख़राब हो जाएगी, अगर वह सारी तटीय इलाके को ले लेगा तो हमारा काम ख़त्म, है ना। तो इस तरह अपने आप को प्रशंसा करने के लिए वह बढ़ने लगा गए। अब कुछ कारण और हैं, उसकी बारे देख लेते हैं। अब आर्थिक कारण के बारे में देख लेते हैं बेटा। आर्थिक कारण मतलब कि यातायात, अब यातायात कंट्रोल हो जाएगा जब इस वाले इलाके को कंट्रोल करेगा, तो यातायात भी कंट्रोल हो जाएगा। इसके बाद राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक कारण यह था बेटा कि संपूर्ण भारतवर्ष के जो राजपूत राजा थे बेटा ना, यानी जो मेवाड़ के, खैर जो राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये वाला पोर्शन था ऊपर वाला, वहाँ पे बहुत खतरनाक राजा रहते थे बेटा। क्योंकि आपको पता है, एक पे मूवी भी बनी है, आप देखिएगा, उस मूवी का फालतू नाम क्यों लें, आप लोग देखिएगा, लेकिन देखना चाहिए, जो ऐतिहासिक मूवी होती है ना, जैसे मंगल पांडे हो गया, ये सब मूवी देखना चाहिए आपको, भगत सिंह हो गया, तो ये सब मूवी अगर आप देखेंगे ना, जैसे कि आपका और बहुत सारी मूवियाँ हैं देखेंगे आप, तो वहाँ से आपको नॉलेज जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। संपूर्ण भारतवर्ष के राजपूत राजा जो होते थे बेटा, यानी कि मेवाड़ के राजा को अपनी सिरमौर मानते थे पूरे भारतवर्ष में, क्योंकि वहाँ पे उनकी जो प्रशंसा होती थी, उनकी जो ताज होता था ना, बहुत खतरनाक तरीके से बहुत पावरफुल था, उनको ही लोग, भले ही इधर अकबर का पूरा खेमा था, लेकिन अकबर का उतना मान जान नहीं होता था, कह लीजिए भारतवर्ष में कितने लोग थे तो जानते भी नहीं थे, लेकिन जो सिरमौर थे, जो मेवाड़ के राजा थे, जो उदयपुर के राजा थे बेटा, ये लोग बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त किए हुए थे, है ना, पूरे भारतवर्ष में। बस यही कारण था कि यह सभी राजा को जीतना चाहता था कि भैया हमारे रहते, हम इतने पावरफुल हैं, हमारे सेना जो है इतनी काट पीट करती है, लेकिन इसको नहीं मार पाती है, चलते हैं चढ़ाई करते हैं इस पर। अब अकबर का दिमाग सनक गया। अब ये क्या काम किया बेटा, राणा उदय सिंह थे, इनके किले पर घेराबंदी कर दिया। अब मुगल की सेना तो इतनी काट पाट तो करती है, काट पीट करती है, अब 6 महीने तक अपना तोप हो गया, बारूद हो गया, मतलब कि उनके पास इतने अच्छे अच्छे मटेरियल थे, उनको सटाए रखी थी 6 महीने तक, चार से छः महीने तक उसको वहाँ पे लगाए रखा था, लेकिन अभी भी सिलेंडर उदय सिंह नहीं बोल रहे थे, इतने कमज़ोर थोड़े थे कि अपने आप को सिलेंडर कर देंगे, वो लड़ना चाहते थे, इसको हराना चाहते थे, क्योंकि वो उन्होंने कभी हार नहीं देखी थी। अब राजा हैं भाई, अब उनका शौर्य होगा, कुछ सेनाएँ होंगी तो लड़ेंगी, जितनी सेनाएँ कम से कम वो तो लड़ेंगी ही, भाल में हारने के बाद देखा जाएगा जो होगा। तो बस राजा उदय सिंह लड़ना स्टार्ट किए, उनके किला काफ़ी ऊँचे थे और नीचे घेरा बनाकर अकबर बैठा हुआ था। अब अकबर की सेना हर दिन 200 के करके संख्या कम होती जा रही थी। अब ऐसी बात नहीं उदय सिंह की सेना नहीं मर रही थी बेटा। अब इसके दिमाग में एक खेल खेला गया, मतलब इसके दिमाग में एक गेम आया कि भैया इस तरह तो हम हारते चले जाएंगे। लेकिन उस किले पे बेटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था, किला भव्य था, आज भी देखेंगे ना जाएंगे तो बारूदों का बिल्कुल कहीं फूटा हुआ है, कहीं फोड़ा गया, लेकिन किले में कोई भी थोड़ी सी भी ऐसे नहीं थी कि यहां से मार दिया तो किला घस से गिर जाएगा नीचे, तो ऐसा कुछ नहीं था, मतलब किला आराम से, मतलब भव्य तरीका से, नज़ारा से, अच्छे खासी मटेरियल से बनाया गया था, जैसा कि आज भी भले जैसे था वैसे आज भी किला खड़ा हुआ है। अगर आप कभी जाएँ राजस्थान तो ज़रूर घूमें, है ना, घूमेंगे वहाँ पे। अब देखिए अकबर एक खेल खेलता है, क्योंकि अब इसके नज़र में यह आने लगा कि अगर हम वापस हो जाते हैं, क्योंकि हार तो हमारी हो रही थी, ठीक है, अब ऐसी नहीं कि यह नहीं मार रहा था सेना को, मार रहा था, लेकिन कम मार रहा था उदय सिंह की सेना को। अब यह सोचने लगा कि भैया अगर इस तरह पाँव उल्टे पाँव करके भागने लगे तो जो अगल बगल के जो राजा होंगे हमारे क्षेत्र के, वो यही सोचेंगे यह हार गया और हमसे थोड़ा सा कम डरने लगेंगे और हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अब यह एक नया खेल खेलता है बेटा, अब यह बारूदी सुरंग बनवाना स्टार्ट करता है, नीचे से जमीन के अंदर से छेद कर ऊपर जाना उसके घर में,
इस तरह का काम करने लगा। अब उस जो सुरंग खोदने वाला था बेटा ना, उसको यह सुरक्षा प्रदान करने लगा। तो आपके एग्जाम में पूछ लेता है कि जो सुरंग खोदने वाले थे, जो बारूदी सुरंग बना रहे थे, उसकी सुरक्षा के लिए अकबर जो किस दीवार का निर्माण किया था, तो बता देंगे साबित। कौन से? साबित, साबित, साबित नामक, साबित नामक दीवाल का निर्माण किया हुआ था। आप इसे याद रखेंगे, अकबर जो है साबित नामक दीवाल का निर्माण किया हुआ था बेटा। अब फरवरी हो गया, मार्च हो गया, मतलब बीतने लगा। अब इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था बेटा। अब अकबर की सेना भारी पड़ने लगी जब यह पूरा का पूरा साबित नामक यह भव्य तरीके से तैयार हो गया सुरंग, और उस सुरंग के रास्ते से अंदर भुरभुरा के सब घुसने लगे। उसके बाद फोड़ फाड़ करने लगे भैया, तगड़े तरीके से मारकाट हो गई और काफ़ी अच्छे संख्या में मारने काटने लगे। तब तक जो दाहिना हाथ था उदय सिंह का, जयमल और फत्ता तो घायल नहीं हुआ, लेकिन जयमल घायल हो जाता है। इतने में इनके सैनिक, मतलब कि सैनिकों में तहलका मच जाता है, भाई उदय सिंह को किसी तरह यहाँ से निकालो। अब उदय सिंह को भैया निकाला जाता है हिमालय, आपको पता है हिमालय की पहाड़ियाँ जो थी, आबू की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ। अरावली आपको पता है बेटा, अरावली जो पहाड़ है, पर्वत है, वह काफ़ी पुरानी पर्वत है ना, उसी जगह से आपकी लूनी नदी भी निकलती है, आबू की पहाड़ियों से, अरावली की पहाड़ी से निकलती है और कच्छ के रण में आके विलीन हो जाती है। तो आपसे ये पूछा जाता है क्वेश्चन ज्योग्राफी में कि जो आपकी लूनी नदी है, मतलब भारत की ऐसी कौन सी नदी है भारत से ही निकलती है और भारत में ही विलीन हो जाती है, तो बताएंगे लूनी नदी है जो कि कच्छ के रण में विलीन हो जाती है। कच्छ के रण मतलब कि वहाँ पे गिर नेशनल पार्क पाया जाता है गुजरात में, जहाँ पे यह विलीन होती है वहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाता है अभी गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो आप बताएंगे गुजरात के राज्य में है, जहाँ पे जंगली गधे पाए जाते हैं। पता है गधे ये नहीं जो हम लोग के यहाँ घूमते हैं, काफ़ी मतलब कि वो समझ लीजिए कि एक धोनी की स्पीड से दौड़ते हैं, काफ़ी तगड़े स्पीड से दौड़ते हैं और काफ़ी सुंदर लगते हैं देखने में। अभी हाल ही में गए थे मोदी जी वहाँ पे, वहाँ के जो गिर नेशनल पार्क है ना, उसके ब्रांड एम्बेसडर भी चुने गए हैं आपके अमिताभ बच्चन, है ना, उसका प्रचार वगैरह करते हैं, तो आपको पता होगा। अब देखिए, अब तो यह घुस गए, अब उसका मतलब जयमल घायल हो गया। अब जयमल जब घायल हो जाता है तो सेनाओं को चिंता हो जाती है कि अब उदय सिंह, क्योंकि अब इनका दाहिना हाथ घायल हो गया था बेटा, एक घायल हो गया था, दो लोग थे जयमल और फत्ता। जयमल घायल हो जाता है तो अब राजा को निकाला जाता है और आबू की पहाड़ी, कह लीजिए जो आपकी अरावली की पहाड़ियां हैं ना, उसमें छुपा दिया जाता है राजा को छुपा दिया जाता है बेटा। अब जयमल और फत्ता छुपाने के बाद बिल्कुल होता है ना पागलों की तरह, पागल हो गए बिल्कुल। अब दोनों हाथ में तलवार लिए और काटना, अपनी जान की बिल्कुल परवाह नहीं किए, अब काटते चले गाजर मूली की तरह, जिधर जो आता था मार देते थे, सबका काम खत्म। इस तरह काटते पीटते एक बार दोनों को आंख में तीर लगी, दोनों का काम खत्म। यह बात उदय सिंह सुनते हैं, बहुत आघात होती है। अब अकबर शर्म के कारण बेटा, क्योंकि अब देखिए अकबर इधर अच्छा काम कर रहा था, महान बना हुआ था, और उधर अकबर जो है काफ़ी लोगों को मार दिया, 30,000 लोगों को मार दिया बेटा। उसमें क्या है कि उनकी मतलब बहुत सारे महिलाएं भी थी, महिलाएं उसमें जौहर प्रथा कर ली। आपको पता होगा जौहर प्रथा केवल उस समय नहीं होता था, बहुत पहले सुल्तान वंश से, मतलब दिल्ली सुल्तान से ही जो सल्तनत काल था वहाँ से स्टार्ट था, बहुत पहले से शुरुआत था। और यहाँ पे हमको जौहर प्रथा देखने को मिलता है, औरतें अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप को आग में झोंक देती हैं और जौहर प्रथा कर लेती हैं। अकबर जो है किसी भी, कह लीजिए कि किसी भी औरत को तो पता नहीं है, किसी महिला को तो पता नहीं है, सबकी सब अपने आप को कह लीजिए कि शुद्धिकरण कर ली थी, एक तरह से जौहर प्रथा कर ली थी, अपने आप को अग्नि के हवाले कर दी थी। और वहाँ पे वह करीब 30,000 लोगों की जान ले लेता है। कितने? 30,000 लोगों की, 30,000 में उनकी प्रजा थी उदय सिंह की, और काफ़ी उनके सैनिक थे, मतलब इस तरह मिला के। अब इससे इसकी बुराइयाँ फैलने लगती हैं कि भैया अभी तुम सती प्रथा का उन्मूलन किए हो, अभी तुम कह दिए जजिया कर पे रोक लगाए हो, अभी तुम तीर्थ यात्रा कर रोके हो, लेकिन फिर से यह सब क्या करने लगे। इतने में शर्म के हमारे वहाँ से चला आता है, कह लीजिए कि वह एक तरह से जो आपका चित्तौड़गढ़ का कि घेरा होता है ना, चित्तौड़ का किला, मेवाड़ का किला, उसको छोड़ देता है, पूरी तरीके से अधिकार नहीं कर पाता है। अब ये आता है रणथंभौर का विजय करता है। अब ध्यान सुनिएगा, यहाँ से लास्ट चल रहा है बेटा, लास्ट, बस बिल्कुल घबराइए मत। अब रणथंभौर कौन से किले? रणथंभौर, नाम सुनिएगा रणथंभौर, यह सब राजस्थान की बात हो रही बेटा। रणथंभौर के किला बहुत ज़्यादा, मतलब इस पर विजय करने के लिए वो चढ़ाई करता है 1569 में। अब लिख लीजिए 1569 में बेटा, 1569 में चढ़ाई करता है, 1569 में चढ़ाई करता है। अब यहाँ से क्या ये जीतता है? तो आप कहेंगे हाँ जीतता है ना, देखिए कैसे जीतेगा। क्योंकि अब सब राजाओं के दिमाग में ना एक भय था कि अब अगर अकबर आएगा ना तो हम समर्पण कर देंगे भैया, हाथ पैर जोड़ लेंगे कि भाई तुम ले जाओ जो तुमको लाना है, लेकिन हमारे प्रजा को नहीं मारो, हमारी प्रजा हमारे लिए प्रिय है। एक राजा की यही सबसे बड़ी सोच होनी चाहिए
कि अगर वह अपने आप को अगर झोंक देता लड़ाई के चक्कर में ना, तो उसके साथ वो तो मारा ही जाता और उसकी प्रजा का भी नुकसान होता, जैसा कि उदय सिंह के साथ हुआ है। उदय सिंह तो बच गए, लेकिन उनकी जितनी भी वाइफ थी, जितनी भी उनके घर की महिलाएं थीं, औरतें थीं, और उनकी जो सेना थी, प्रजा थी, काफ़ी ज़्यादा मारी गई कि नहीं। 30,000 कम नहीं होता बेटा, 30,000 बहुत ज़्यादा होता है। इतना ज़्यादा मारने काटने के बाद उसके पास दया भाव कुछ नहीं था अकबर के पास। अब वो रणथंभौर पर चढ़ाई करता है। यहाँ का राजा सुरजन राय, क्या नाम था? सुरजन राय। यहाँ का राजा रहता है सुरजन राय बेटा, सुरजन राय रहता है। आप याद रख लेंगे, अगर पूछा जाता है आपसे कि अकबर जब चढ़ाई किया था रणथंभौर पर तो उस समय राजा कौन था, तो बता देंगे सुरजन राय था बेटा। ये बूंदी का हाड़ा राजपूत था। बूंदी का किला आप पढ़े होंगे, आप जीके में भी आता है आपको बूंदी का किला कहाँ पे है, तो बताएंगे राजस्थान में है। तो बूंदी का हाड़ा राजपूत था। हाड़ा राजपूत मतलब समझ रहे हैं, हाड़ा राजपूत था, मतलब बहुत खतरनाक राजपूत था बेटा। राजपूत घराने का था, इतना बवाली था ना कि जहाँ पे खड़ा होता था ना, दूर दूर तक लोग सलाम करते थे। 1 किलोमीटर दूर से अगर दिख गया तो, वैसे 1 किलोमीटर दूर से दिखेगा नहीं कभी, छोटा दिखेगा, दिखेगा भी नहीं कि अगर रास्ता खाली रहा तो बाय द वे दिख जाता है, वरना नहीं तो ना, जो जब यहाँ पे खड़ा होता था बेटा ना, मतलब पहली बार तो ये अकेले नहीं जाते थे कहीं, और जाते भी थे तो इनको सलाम ठोकने वाले, मतलब इन लोग का एक तरह से बेटा अलग ही भाव था, है ना। कोई बुरा नहीं था, ये तो अकबर ने बुरा बना दिया इन लोग को ना। अकबर मजबूर कर देता है, अकबर को यह चिंता सताने लगती है कि अगर ये लोग को छोड़ देंगे ना तो इन लोग की प्रशंसा चलती चली जाएगी, हमारा कोई प्रशंसा होगा ही नहीं। इस वजह से हमारा नाम, अपना नाम करने के लिए वो इन लोग पे विजय प्राप्त करने के लिए लड़ाइयाँ करने लगा। तो याद कर रखेंगे रणथंभौर पर विजय 1569 में होता बेटा। वहाँ के राजा सुरजन राय थे और वह बूंदी का हाड़ा राजपूत नाम से जाने जाते हैं। अब वो क्या काम करता है, मेवाड़ को पूरे तरीके से, मेवाड़ के किले को पूरे तरीके से घेर लेता है। मेवाड़ रणथंभौर में ही मेवाड़ है, मेवाड़ का किला, तो मेवाड़ के किले को पूरे तरीके से घेराबंदी कर लेता है। अब घेराबंदी कर लेता है बेटा, पहले से सुरजन राय को पता था कि हमारा उदय सिंह वाला हाल ना हो, चित्तौड़गढ़ का किले जैसा हार ना, क्योंकि देखिए मेवाड़ की राजधानी थी क्या, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़, और मेवाड़ एक जगह था बेटा। मेवाड़ में बहुत सारे, ऐसा तो है नहीं कि यूपी की जो राजधानी है लखनऊ, यूपी में और जिले नहीं है, यूपी में बहुत सारे जिले हैं ना, लेकिन यूपी का जो जिला है वो लखनऊ है, उसी तरह मेवाड़ था। मेवाड़ में बहुत सारे शहर थे, रणथंभौर था, चित्तौड़ था, कलिंजर तो दूसरी तरफ था, और कलेजे की आपका कलेजे बहुत सारे थे बेटा, अभी हम आपको बता रहे हैं। और क्या था, डुंगरूपुर था, बांसवाड़ा था, प्रतापगढ़ था, ये सब उसी जगह है, जयपुर में ही पड़ता, मतलब कि राजस्थान में ही पड़ता है सब सारी चीज़ें। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, बस हमारा ये मानना है। अब क्या काम होता है बेटा, अब तो इनको डर सताने लगता है सुरजन राय को। अब यह काम क्या करते हैं कि अपने आप को समर्पण कर देते हैं, भैया तुम ले जाओ लेकिन हमारी प्रजा को छोड़ दो। एक इतिहासकार का कहना है कि एक इतिहासकार था टाड, क्या नाम है, टाड आपसे पूछ लिया जाता है, इतिहासकार टाड का कहना था कि दोनों में झगड़ा लड़ाई कुछ नहीं हुआ, या फिर राजा सुरजन राय समर्पण नहीं किए अपने आप को, उन्होंने बैठ कर अकबर के साथ समझौता किया, संधि किया, और अकबर ने यह सुझाव दिया उनको कि आप गद्दी पर बैठे रहिए लेकिन हमारे अकॉर्डिंग काम करिए। तो यह कहना था किसका, इतिहास का टाड का बेटा, तो आप इसे लिख लेंगे कॉपी पे, इतिहास का टाड ने क्या कहा था इन दोनों लोग के बारे में, है ना। यह तो बात रही किसकी बेटा, संधि हो गई, रणथंभौर का किला आ गया, रणथंभौर पर विजय पा गया कौन, अकबर। अब आ जाते हैं हम एक और अभियान की तरफ, उसका नाम क्या है उस अभियान का बेटा, तो बताएंगे कलिंजर का पतन अब यहाँ से हो जाएगा। कलिंजर एक ऐसा किला था बेटा ना, क्योंकि इसको कोई नहीं जीत पाता था बेटा, कोई नहीं, मतलब कि कोई भी शासक, मतलब हर शासक का ख्वाब होता था कि हम इस चीज़ को जीतें। जैसे हमारा ख्वाब है, आपका ख्वाब है कि कोई छोटी सी नौकरी पा जाएं, फिर उसके बाद पीसीएस आईएएस की तैयारी करें। तो इसका भी एक ख्वाब था कि अगर हम महान इतने हैं तो क्यों हमसे दूर है कलिंजर का किला, आखिर इसमें क्या है। अब कलिंजर पे चढ़ाई करता है 1569 में, इसमें भी बेटा याद रखेंगे, 1500 वहां से जीतने के बाद 1569 में यहां पे आ जाता है, 1569 यहां पे भी चढ़ाई करता है। अब यहां पे चढ़ाई करता है बेटा, तो चित्तौड़गढ़ रणथंभौर इसको जीतने के बाद इसके मन में एक उल्लास था बेटा, उल्लास था, एक अलग से ऊर्जा था, ऊर्जावान था एक अलग से, कि अब तो कोई नहीं रोकेगा हमें, अब सबकी मतलब कि बजा दिए हैं हम, सबका बच चुका है, अब बचा है केवल कलिंजर, अब कलिंजर भी हमारे हाथ में आएगा। इसके बाद भी खैर बहुत सारे जगह थे जो कि जीत नहीं पाया था। अभी आप देख लीजिए, जो उदय सिंह को मारा है ना, वो चित्तौड़गढ़ का किला पूरे तरीके से जीत थोड़े पाया था, वो तो छोड़ के आया था ना, बिल्कुल लज्जा के मारे छोड़ के आया था। अभी वहां जाएगा, उसी जगह से पनपेंगे आपके महाराणा प्रताप जी, इसको छक्का मतलब छट्टी का दूध याद दिला देते हैं, इतना मारते हैं इसे, मतलब कि नकुए चने चबवा देते हैं इसको।
तो अब देखिए जो ये बेटा कलिंजर है ना, कलिंजर कहाँ पड़ता है तो बताएंगे, यूपी का जो बांदा जिला है ना, बांदा यूपी का, वहाँ पे पड़ता है कलिंजर, अगर अभी भी है आप जाके देख सकते हो उसे, है ना। अब देखिए यहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम क्या था, रामचंद्र। रामचंद्र वो नहीं हमारे प्रभु, रामचंद्र हमारे प्रभु नहीं बेटा, है ना, ये रामचंद्र राजा है। एक बार महाकाल का नारा लगा दीजिए, देखते हैं जोश आ जाता है कि सभी में जोश आ जाएगा। लगाइए महाकाल का नारा बेटा, जय महाकाल, सभी लोग बोलिए एक बार, देखते हैं कितने लोग बोलते हैं, बोलिए तो एक बार। आप लोग ढीले पड़ रहे हो, हम देख रहे हैं, काफी से कहानी की तरह बके जा रहे हैं हम, हमको तो सुस्ती नहीं आ रही, लेकिन आप लोग ढीले पड़ रहे हो। ढीले नहीं पड़ना बेटा, कहानी के माध्यम से पढ़ाया जा रहा, पूरी वीडियो देखिए अच्छे से, देखिए 2 से 3 बार देखिए। एक बार जय महाकाल का नारा लगाइए, हमारे महाकाल का, उसके बाद आपको मजा याद आने वाला है, एक अलग से जोश आएगा अंदर, है ना। अब देखिए यह यहाँ पे पहुँचता है और राजा जो रामचंद्र होते हैं ना, रामचंद्र जी बिल्कुल डर जाते हैं। हमारे रामचंद्र जी नहीं, हमारे रामचंद्र जी तो डरने वाले हैं ही नहीं पूरी दुनिया से। यह एक सज्जन आदमी थे हमारे रामचंद्र जी, हमारे आपके सबके रामचंद्र जी, है ना बेटा। ये तो दिलों में बास करते हैं, किसी राजा के रूप में थोड़े होते हैं, ये सबके दिल में बास करते हैं। अब रामचंद्र जी बेटा ना अपना एक तरह से डर के मारे, इनको पानी खाना हुक्का बीड़ी सब बंद। अब आ रहा है भैया वो कौन, मेरा काल अकबर आ रहा है, इसकी फटने लगती है। अब बेटा जो पिछली सारी घटनाओं को सोचते हुए ये अपने आप को खुद समर्पण कर देता, भैया तुम आओ, कलिंजर का किला तो झूठ मूठ का सब अफवाह फैला है, यहाँ पे कोई राजा वजा थोड़े है, तुम ले जाओ ले जाओ ले जाओ भैया ले जाओ बस। क्योंकि कलिंजर का किला बेटा गुजरात के साइड पड़ता है, यह पूरी तरीके से गदगद हो गया लेकर, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा व्यापार क्षेत्र होते हैं। व्यापार व्यापार मतलब कह लीजिए कि अगर देखा जाए पूरा का पूरा मेवाड़, जो बेटा मेवाड़ छोड़ दीजिए पहले उसको, मेवाड़ छोड़ दीजिए, हम केवल इसकी बात कर लेते हैं कलिंजर की, चलिए अच्छा लास्ट में इसकी बात करेंगे, जो डैकियाट वगैरह बना हुआ है गुजरात में पड़ता है, तो गुजरात का छोटा सा प्रोटोटाइप देंगे। अब इतना मान लीजिए कलिंजर आ गया अकबर के हाथ में, रामचंद्र जी सिलेंडर कर दिए। अब एक टॉपिक और है, मारवाड़ पर अधिकार, मारवाड़ पर अधिकार के बारे में देख लेते हैं, मारवाड़ पर यह अधिकार कब करता है। मारवाड़, मारवाड़ देखिए, मारवाड़ के नाम से एक जाति भी काफ़ी ख्याति मिली हुई है, मारवाड़ी। आप सुने होंगे काफ़ी ज़्यादा पैसे रुपए वाले लोग होते हैं, है ना, मारवाड़ी, वही राजस्थान वाले, जैसे कि जो यहाँ के हम लोग के यहाँ के बनिया होते हैं, बनिया जैसे अग्रवाल बर्नवाल और काफ़ी ज़्यादा जो बनिया होते हैं, इन लोग से ही बनता है मेवाड़, मतलब मेवाड़ी कह लीजिए, मारवाड़ी, है ना, मारवाड़ी राजा आपने सुना होगा, तो बस वही लोग हैं मारवाड़ी। तो मारवाड़ी बहुत ज़्यादा पैसे रुपए वाले होते हैं बेटा, इस वजह से मारवाड़ एक काफ़ी ज़्यादा सुंदर जगह है, उसी के नाम से एक जाति बन गई है वहाँ के लोग रहने वाला, उसे जाना गया मेवाड़ी, है ना, मेवाड़ी लोग जानते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे रुपए वाले होते हैं वो लोग। अब इसी तरह मारवाड़, मेवाड़ी नहीं बेटा, मारवाड़ी, मेवाड़ी नहीं मारवाड़ी, यह मारवाड़ एक जगह है। अब यहाँ पर वो विजय करने के लिए आता है, अधिकार करने के लिए आता है, पूछा जाता है आपसे मारवाड़ पर अकबर कब अधिकार करता है, तो बता देंगे 1570 में। ये सारे डेट हैं जो ना, आप इसे सिक्वेंस में लिखते चलिए, हम बता रहे हैं ना, आपको याद हो जाएगा, 100% याद होगा, जैसे हमको याद है उसी तरह आपको याद होगा। अब देखिए जो मारवाड़ है बेटा ना, मारवाड़, मारवाड़ में जोधपुर आता है, जोधपुर, जोधपुर, जोधपुर का राजा क्या नाम होता है, चंद्रसेन, चंद्रसेन, रामचंद्र नहीं चंद्रसेन, याद रखेंगे चंद्रसेन। इसके बाद इसमें बहुत सारे जिले आते हैं, जैसे कि अब आ गया जैसलमेर, जैसलमेर भी आता है, जैसलमेर भी अभी राजस्थान में आता है। जैसलमेर के जो राजा रहते हैं रावल हर राय, क्या नाम रहता है, रावल, रावल हर राय, हर राय, हर राय बेटा सुन लीजिए, अगर यहाँ पर कुछ गलती लिख देते हैं तो माफ करिएगा, खैर आप सुन लीजिए, है ना, जैसलमेर के जो राजा होते हैं रावल हर राय, जोधपुर के राजा होते हैं चंद्रसेन। इसके बाद बीकानेर, काफ़ी ख़तरनाक जगह है बीकानेर भी, ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब जा सकते हैं घूमने, वहाँ पे अकबर का नामो निशान नहीं, अब अकबर आएगा इतना मेरे पास तोप है ना, उड़ा देंगे दूर से उसको, बीकानेर। अब देखिए बीकानेर, जोधपुर का राजा चंद्रसेन, जैसलमेर का राजा रावल हर राय, और बीकानेर का जो राजा था बेटा कल्याणमल, क्या नाम था, राजा कल्याणमल, कल्याणमल, कल्याणमल। अब यह क्या काम करता है बेटा, इसकी यह सब तो हार मान जाते हैं, अपने आप को सरेंडर कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 शादियाँ हो जाती हैं अकबर की, इसकी पुत्री से और इसकी भी पुत्री से, 2 मतलब कि एक तरह से ससुराल हो गया बीकानेर जैसलमेर अकबर का। अब अकबर गदगद हो गया भैया दो लोग को पाके, है ना, और वो वापस आ जाता है। अभी भी मेवाड़ पूरी तरीके से इसके अंदर में नहीं था, कहिए मेवाड़ में ऐसे बहुत सारे जगह थे जो कि फ्री थे और इसके अंदर में आने के लिए मतलब वो राजी नहीं थे, और वहाँ पर वो जाना अपना शर्मिंदा महसूस करता था, क्योंकि उदय सिंह को जब ये पराजित किया था तो उदय सिंह बेटा हारे नहीं थे, उदय सिंह को छुपाया गया था उनके सैनिकों द्वारा और अपने सब जान दे दिए थे, और यह वापस आ गया था बिना मेवाड़ को जीते पूरी तरीके से, मतलब उदय सिंह का पूरा क्षेत्र बिना जीते चित्तौड़गढ़ वाला, बस वो वापस आ जाता है। अभी भी पूरा का पूरा मेवाड़ इसके क्षेत्र में नहीं आया था, तो पूछा जाता है जब यह मेवाड़ पर अधिकार कर लेता है मारवाड़ पर, तो उस समय या फिर चित्तौड़गढ़ पर जब यह अधिकार कर लेता है, या फिर यह पूछा जाता है आपसे कि कितने क्षेत्र ऐसे थे जो इसके अधिकार में नहीं थे मेवाड़ के, तो आप बताएंगे बेटा कौन कौन से, डुंगरूपुर लिख लीजिए,
डुंगरुपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ एक यूपी में भी पड़ता है, पता होगा आपको प्रतापगढ़। जो लोग यूपी के होंगे, वैसे सारे लोग यूपी के होंगे लगभग, तो डुंगरुपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये सारा का सारा क्षेत्र जो है ना, मतलब प्रतापगढ़ एक यूपी में पड़ता है, ये सारे के सारे क्षेत्र में अभी तक वो उसकी कोई भी जीत नहीं हुई थी, ये फ्री थे, यहाँ के राजा अभी कर रहे थे मस्ती और अपने आप को इसके समर्पित कर ही नहीं रहे थे, मतलब काफ़ी ज़्यादा बलिदान थे, मतलब पावरफुल थे, ठीक है, पावरफुल थे लोग। अब देखिए, इतना के बाद मतलब कि यह जो तीनों थे ना, अकबर का जो स्वाधीनता था स्वीकार नहीं करना चाहते थे, वह इस कदर नहीं मानना चाहते थे। अब आ गया गुजरात, लास्ट बात कर लेते हैं, इसके बाद लास्ट कल एक पार्ट आएगा आपका महाराणा प्रताप वाला, उसमें पढ़ा जाएगा कल वाले में। अब देखिए गुजरात अभियान, यह काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा बेटा गुजरात अभियान, क्योंकि गुजरात विजय कहिए आप, अभियान कहिए, कब हुआ था, तो 1571-72। अब 1571-72 आपको पता बेटा, क्योंकि गुजरात का जो समय था ना, गुजरात जो ऐसी जगह था बेटा ना, डैकयार्ड था वहाँ पे, पोर्ट, जैसे आपको पता है सिंधु घाटी में जो आपका एक पोर्ट मिला था गुजरात में, गुजरात के कलिजे की कहाँ से मिला था गुजरात में, सिंधु घाटी सभ्यता बेटा, कौन सा एक जगह था, वहाँ से डैकयार्ड एक मिला था, जहाँ से हमको पता चला था कि सिंधु घाटी के समय भी 1570-75 के समय भी लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे उस समय, मतलब ईस्वी नहीं स्टार्ट हुआ था, एडी था, एडाडोमिन, तो उस समय भी एडाडोमिन क्या है, बीसी था, बिफोर क्राइस्ट, तो उस समय भी लोग व्यापार करते थे, तो वही क्षेत्र था, उसका नाम देखिए नहीं याद आ रहा बेटा हमको, डैकयार्ड था, काफ़ी देखिए अच्छा नाम था, इसमें स्किप किया हुआ दिमाग से, याद नहीं आ रहा है, आप लोग देखिएगा बताइए, कमेंट करिएगा क्या नाम था, है ना। अरे गुजरात पर वह चढ़ाई कर देता है, गुजरात पर चढ़ाई इसमें से करता है बेटा, क्योंकि एक व्यापार का केंद्र था गुजरात, जैसा कि आपको पता है गुजरात एक ऐसा क्षेत्र है जो कि पानी वाले तट से काफ़ी ज़्यादा, अपना कह लीजिए पूरे भारत में सबसे ज़्यादा पानी वाले तट से, तटीय इलाके से काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है, लगभग 1200 किलोमीटर, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पोर्ट थे, वहाँ से व्यापार होता था, क्योंकि डैकयार्ड था, जो हमारे शिप थे, जहाज थे बड़े बड़े, जो विदेशियों से आते थे, विदेशों से वो आकर उसी जगह रुकते थे, और काफ़ी ज़्यादा व्यापार वाला क्षेत्र था, काफ़ी ज़्यादा नामी था, यहाँ पे तुर्की हो गया, सीरिया हो गया, यूरोप हो गया, फारस हो गया, हज यात्रा हो गया यहाँ तक कि, और ट्रांस आसियान वाला देश हो गया बेटा, ये सारे देशों से वहाँ के मतलब कि वहाँ के जो गुजरात के राजा थे वह व्यापार करते थे, और पूरे भारत में अपना माल सप्लाई करते थे, अनेकों जगह सप्लाई करते थे, इस तरह इस क्षेत्र को जब जान गया अकबर, तो बस जीतने के लिए यहाँ भी ललायत हो गया, 1571-72 में यहाँ पे भी चढ़ाई कर देता है। अब इस वजह से यह बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि यहाँ का जो राजा था, यहाँ के कोई राजा नहीं थे पहली बात, यहाँ पे एक बल्कि एक इतमाद खां रहता, इतमाद खां नाम लिख लीजिएगा, इतमाद खां एक राजा का ही कह लीजिए कि होता है ना, कि जिस थाली में खाना उसी थाली में छेदने वाला काम था, तो ये छेदने वाला था राजा के घर में, मतलब कि राजा के पूरे इलाके में, राजा के प्रजा के, मतलब राजा के कह लीजिए राज्य में एक छेदने का काम कर दिया इतमाद खां। ये सारा का सारा पोल गया अकबर को बता दिया। अब अकबर आया भैया, राजा को उड़ाया क्या, राजा अपने आप समर्पित कर दिए अकबर के सामने। अब इतमाद खां सोचने लगा कि हमें बहुत अच्छा काम कर दिए, लेकिन ये बेवकूफ़ी वाला काम किया था सबसे ज़्यादा। अब देखिए जो कुत्ते होते हैं ना, कुत्ते भी हम अगर पालते हैं ना, तो वो भी मालिक का सेवा करता है, ये तो कुत्तों से भी बेहतर काम कर दिया ना, काफ़ी ख़राब काम किया, तो ऐसे लोग को पहली बात सतर्क रहना चाहिए हम लोग को ना, ऐसे लोग से सतर्क रहना चाहिए। अब राजा अगर सतर्क होता तो ऐसा कांड ना होता उसके साथ। अब वो इन्वाइट कर देता है, सारी भेद बताता है, उसको इन्वाइट करता है कि आप इस समय जब आएंगे ना, तो राजा आराम फरमा रहे होंगे, आप आइएगा आराम से, वो खुद ही अपने आप को समर्पित कर देंगे। उसके बाद गुजरात का पूरा ना, जितना भी क्षेत्र है ना इनका ना, जहाँ जहाँ पे सब आपके पास हो जाएगा, बस यही काम करता है अकबर। अकबर के पास सारा का सारा क्षेत्र, सारा गुजरात आ जाता है। गुजरात पे आने के बाद वो सबसे पहले मिलने जाता है तुर्कियों से, ये पूछा जाता है कि जब गुजरात को मतलब जीत जाता है तो सबसे पहले तुर्की जाता है, वो पूछा जाता है आपसे, तो बताएंगे आप तुर्की और रूस दो ऐसे बेटा देश हैं जो कि एशिया में भी पड़ते हैं और यूरोप में भी पड़ते हैं, है ना। आपसे पूछा जाता है कि दो ऐसे क्षेत्र, ये तो ज्योग्राफी का पार्ट हो गया, आपके स्टेट वगैरह में पूछा जा सकता है, तो बताएंगे तुर्की और आपका रूस दो ऐसे क्षेत्र हैं, दो ऐसे देश हैं ना, जो कि दोनों कॉन्टिनेंट्स में पड़ते हैं, यूरोप में भी और एशिया में भी। बस यही था आज का पूरा कहानी, खत्म हो गया। गुजरात भी विजय हो गया भैया, रणथंभौर हो गया, मारवाड़ हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, है ना, और आपका कह लीजिए कि कलिंजर का अभियान हो गया, सारी चीज़ें हम आपको बता दिए। आज का इतना टॉपिक है, आप इसे रिवाइज करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए आप, ठीक है, रिवाइज पढ़ाई करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, थोड़ा सा शेयर करेंगे तो थोड़ा सा बच्चे भी जानेंगे ना कि एक चैनल ऐसा है जो कि हमें फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो आप लोग मेहनत का थोड़ा ध्यान दीजिए हमारे, और
अगर विश्वास है हमारे मेहनत पे तो शेयर करेंगे आप बिल्कुल से बिल्कुल, कोई भी इसमें दो राय है ही नहीं। जो हमारे बच्चे प्रिय हैं ना वो शेयर जरूर करते हैं, हमें पता है। तो आप लोग भी बहुत प्रिय हैं हमारे, और आप लोग की जितनी भी इच्छाएं हैं ना सब पूरी होंगी। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस आप लोग कमेंट किया करिए, और मैथ के लिए आप चिंता ना करें। एक चीज़ आपको बता देते हैं, अगर आप लोग टेट का जैसे क्लास करना चाहते हैं तो टेट का क्लास जैसे ही आपका रिजल्ट आता है ना तो हम हिंदी पहले स्टार्ट करेंगे इस चैनल पे। नहीं, एक चैनल है, लिख लीजिए ऑनलाइन शिक्षण 2.0 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ऑनलाइन, जो आपका यह चैनल है ऑनलाइन ना, ऑनलाइन शिक्षण 2.0, आप उसे अभी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, उसे सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो, क्योंकि वहाँ पे हिंदी के क्लासेस हैं, जीके जीएस के क्लासेस पड़े हुए हैं, तो आप उसको देखिए, है ना। और जैसे कि आप एलसीएम एससीएफ सीखना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ से टेट में आएगा क्वेश्चन आएगा टेट में बेटा, एलसीएम एससीएफ हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, जो ये सब सारी चीज़ें आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे है ना। काफ़ी करंट के टॉपिक हैं, करंट अफेयर्स के काफ़ी टॉपिक्स हैं वहाँ पे, हम लोग डेली डालते हैं। जैसे ही टेट का आपका रिजल्ट आता, सॉरी टेट का बोल रहे हैं, यह डीएलएड का रिजल्ट आ जाता है ना, वैसे ही टेट का हम वहाँ पे हिंदी का क्लासेस लगा देंगे। वैसे भी अभी भी जाएंगे आप ना तो 29 से 30 30 क्लास हिंदी का आप पाएंगे, सिर्फ अलंकार को छोड़ के, संधि क्या बोलते हैं, छंद और अलंकार को छोड़ के आपको सारी हिंदी की क्लास वहाँ पे मिल जाएंगी, बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाया गया है। आप देखिए वहाँ पे, पढ़िए और अभी जाके तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए उसे भी, ऑनलाइन शिक्षण 2.0। और यहाँ पे भी अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे कि सारे क्लासेस आप रोजाना देख पाएँ। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।